हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं आप लोग डी अकाउंट के बारे में जरूर सुने होंगे सो फॉर द बिगिनर्स मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं किस तरीके से आप डी अकाउंट खोल सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट नीड्स है उस चीज की और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो इन सारे चीज का डिस्कशन मैं इस वीडियो के थ्रू करने वाला हूँ सो माई नभ्य साक्षी एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिकेन तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए वी आल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ ऑफिशियल जहां पे जाके आपको डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी सो डू फॉलो इट इज वेल गेटिंग बैक टू द टॉपिक सबसे पहले किस चीज की जरूरत है आपको उनका लिस्ट फर्स्टली आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए उसके बाद आपके पास आधार कार्ड भी रहनी चाहिए ठीक है दीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा उसके बाद बैंक अकाउंट ऑब्वियसली क्योंकि बैंक अकाउंट के बगैर आप अपना ट्रांजेक्शंस नहीं कर पाओगे उसके बाद थर्ड फोटो स्कैंड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर एक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए उसके बाद डीमेट अकाउंट रजिस्ट्रेशन फीस जो थ्री हंड्रेड रुपीज है एज पर जीरो आपके पास होना चाहिए थ्री हंड्रेड रुपीज तक ताकि आप रजिस्टर कर सको एक डीमैट अकाउंट के लिए उसके बाद यू नीड एटलीस्ट टेन रुपीज ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट जिससे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो इंटरनेट कनेक्शन हो जिसके बेसिस में आप डेली में स्टॉक्स का ट्रांजेक्शन कर सकते हो ठीक है उसके बाद किस तरीके से डिमेट अकाउंट आपको खोलना है तो सबसे पहले आप जीरो के होम पेज में जाओ मैं यहाँ पे जीरो का बात करूं बिकॉज आई आप किसी भी और वेबसाइट्स में जाके कर सकते हो लाइक आप स्टॉक्स कोटक बहुत सारे हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे जो आपको ट्रस्टफुल लगे उसमें जाके आप कर सकते हो ठीक है मैं जीरोदा के बारे में यहाँ पे मेनली बात कर रहा हूँ सब में नीड्स और रिक्वायरमेंट सेम ही होगा सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है सबसे पहले होम पेज में जाइए फर्स्ट आपको मोबाइल नंबर पूछेगा गिव योर मोबाइल नंबर गेट द ओटीपी ठीक है उसके बाद आप अपना पैन नंबर एंटर करो वहां पे रजिस्ट्रेशन फी जो भी है वो आप पे कर दो उसके बाद आप आधार कार्ड का एक कॉपी लॉकर से ले लो ठीक है डिजी लॉकर में किस तरीके से गाइड करना है वो आपको जेरोधा का वेबसाइट अपने आप गाइड कर देगा सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है उसके बाद अपना बैंक डिटेल्स और जो भी टर्म्स है उसमें अग्री कर लो ठीक है एंड देन जो भी ओटीपी आपको मिलता है उसका एक पिक्चर रख लो अपने पास बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर टाइम उसमें लास्ट में फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था जो कि ये है

और वो सारे चीज को मेट्रलाइज बोला जाता था तो उन्हीं पेपर्स को जब आप डी कर लेते हो जो कि इंटरनेट में आपके वेबसाइट्स में पेपर रह जाते हैं आपके स्टॉक्स का उसको अकाउंट में रखा जाता है सो इट्स बेसिकली अ बैंक अकाउंट ऑफ योर स्टॉक्स ठीक है सिंपल ओके okay. तो उसके बाद लास्ट में फिर एनएसडीएल के साथ आपको रजिस्टर करना है ठीक है एनएसडीएल भी एक नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी है जहां पे आपको सारे चीज का एक रिकॉर्ड रहता है आपका ठीक है तो यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है जीरोदा में जब आप सारे स्टेप्स कर लेते हो तो जीरोदा खुद ब खुद आपको डायरेक्ट करती है इस वेबसाइट में वहां पे ओटीपी मिलता है और आपका अकाउंट वहां पे बन जाता है और इसी तरीके से आप अपना डीमेट अकाउंट बना के आप हेल्दी तरीके से उसके बाद स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो आई गेस एक छोटा सा वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारे चीज बता दिया है आप इस तरीके से फॉलो करके आप अपना डिमेट्रलाइज अकाउंट बना के ट्रेडिंग कीजिए मार्केट में ठीक है सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी थैंक यू एवरी वन स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ